रोड पर रेलवे क्रॉसिंग तो आपने जरूर देखी होगी, जहां गाड़ियां ट्रेन के गुजरने का वेट करती है। लेकिन न्यूजीलैंड में एक ऐसी भी जगह है जहां गाड़ियों को नहीं एरोप्लेन्स को वेट करना होता है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 7 इंटरेस्टिंग रेलवे के बारे में बताऊंगा। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडी टेक्नोलॉजी। रेलवे का इन्वेंशन आज से करीब 200 साल पहले हुआ था और उस टाइम ट्रांसपोर्ट का कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए इस टेक्नोलॉजी को सारे देश अपनाने लगे और धीरे धीरे रेलवे ट्रैक बिछाने लगे। रेलवे ट्रैक को बनाने के टाइम इस बात का ध्यान रखा जाता था कि जमीन बिल्कुल प्लेन हो, जिससे ट्रेन आसानी से क्रॉस कर सके। बट कुछ ऐसी भी जगह थी जहां रेलवे ट्रैक बिछाना इतना आसान भी नहीं था, कहीं ऊंचे पहाड़ तो कहीं बहती नदी। नंबर 7, न्यूजीलैंड में गिस्बोर्न नाम का एक छोटा सा सिटी है जहां का एयरपोर्ट काफी अनोखा है। ये दुनिया का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जो एक रेलवे लाइन से क्रॉस करता है। यहां का कंट्रोल टावर सिर्फ पायलट से ही नहीं बल्कि रेलवे टावर के कांटेक्ट में भी रहता है। अगर प्लेन लैंडिंग के काफी करीब होता है तो ट्रेन को रोक लिया जाता है या फिर टेक ऑफ से पहले प्लेन को वेट करने के लिए कहा जाता है। रनवे से जो ये रेलवे ट्रैक क्रॉस हो रहा है उसे काफी अच्छे से डिजाइन किया गया है ताकि प्लेन को लैंडिंग के टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। एक्चुअली यहाँ ट्रेन की ट्रैक पहले से ही थी बट बाद में यहाँ एयरपोर्ट बनाया गया क्योंकि रनवे के लिए कोई भी जगह सुटेबल नहीं थी। नंबर 6, दुनिया का सबसे स्टीप रेलवे लाइन स्विट्जरलैंड में मौजूद है। यह स्विट्जरलैंड के एक छोटे से गांव एल्पन एस्टेट से स्टार्ट होता है जिसकी हाइट 464 मीटर है। इसकी डेस्टिनेशन माउंट प्लेटस है जिसकी हाइट 2128 मीटर है। यहां ट्रेन 1600 मीटर की हाइट को सिर्फ 4.6 किलोमीटर की ट्रैक में कवर करती है। एक नॉर्मल ट्रेन की व्हील्स में कोई ग्रिप नहीं होता और ये ज्यादा हाइट्स पर चढ़ने से स्लिप करती है, इसलिए यहां के ट्रेन के व्हील्स को स्पेशल गियर की हेल्प से डिजाइन किया गया है जिससे ये चढ़ते और उतरते टाइम स्लिप ना कर सके। यह 1879 में लॉन्च हुई थी और पहले स्टीम इंजन से चलती थी बट 1937 के बाद इसे इलेक्ट्रिक इंजन में बदल दिया गया। नंबर 5, जहां पूरी दुनिया में ट्रेन ट्रैक के ऊपर चलती है वहीं जापान में एक ऐसा रेल सिस्टम है जो ट्रैक के नीचे चलती है। ये काफी यूनिक और इकलौता ऐसा रेलवे ट्रैक है जो 1970 में जापान में लॉन्च किया गया था। यह ट्रेन दो एरियाज को कनेक्ट करता है जिसको सोनन मोनरेल नेटवर्क कहा जाता है। इस ट्रैक की सिर्फ 6.5 किलोमीटर लंबाई है जो ओकुना से लेकर सोनन इनोशिमा तक का है, जिसमें 7 स्टॉप्स है और ये पूरी जर्नी सिर्फ 14 मिनट में कम्प्लीट कर लेती है। नंबर 4, स्विट्जरलैंड अपने बड़े बड़े पहाड़ों और ग्रीनरी के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है और इस वजह से यहाँ पर रेलवे ट्रैक बनाना काफी मुश्किल हो जाता है। 5,270 फीट की ऊंचाई पर बसा एक छोटा सा शहर जर्मट यहाँ से लेकर सेंट मॉर्टिस तक 251 किलोमीटर का डिस्टेंस है रेलवे ट्रैक की। इस ट्रैक पर एक टाइम पर बस एक ही ट्रेन चल सकती है जिस ट्रेन का नाम ग्लेशियर एक्सप्रेस कहा जाता है। इस ट्रैक पर स्नोफॉल की वजह से ट्रेन बहुत स्लो चलती है जिसकी वजह से 291 किलोमीटर का डिस्टेंस 8 घंटे में कंप्लीट होती है। ग्लेशियर एक्सप्रेस दुनिया की सबसे स्लो चलने वाली ट्रेन भी कहलाती है। यह ट्रेन पूरी जर्नी में 91 टनल से होकर गुजरती है। इसमें से एक टनल जिसका नाम फुलकर टनल है जो 16 किलोमीटर लंबा टनल है और एक ब्रिज जो 450 मीटर ऊंचा बना हुआ है इस पूरी जर्नी में। नंबर 3, थाईलैंड में 415 किलोमीटर यह रेलवे ट्रैक बैंकॉक से स्टार्ट होता है और थैंग ब्योंग जाट पर खत्म होता है। वैसे ऑफिशियली इसका नाम बुर्मा रेलवे है बट ये डेथ रेलवे के नाम से फेमस है। डेथ रेलवे इसलिए नहीं कहा जाता कि ये काफी डेंजरस है बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सोल्जर्स को खाना और वेपन सप्लाई करने के लिए एम्पायर्स ऑफ जापान ने यह रेलवे ट्रैक बनवाया था। इसे बनाने के लिए 1,00,000 से भी ज्यादा वॉर प्रिजनर का यूज किया गया था। कहा जाता है कि 415 किलोमीटर का यह रेलवे ट्रैक जल्दी बनवाने के लिए प्रिजनर को काफी टॉर्चर किया जाता था जिसकी वजह से 50% प्रिजनर का काम के दौरान ही डेथ हो गई थी। इसी वजह से इस ट्रैक का नाम डेथ ऑफ रेलवे पड़ गया। नंबर 2, स्विट्जरलैंड में एक ऐसा पॉइंट भी है जहां ट्रेन को फ्लैट जमीन से एक पहाड़ी पर चढ़ना होता है। ट्रेन का इंजन इतना पावरफुल नहीं होता है जो पहाड़ पर चढ़ सके, इसलिए इसे वायाडक बनाया गया है जिसे ब्रूसियो स्पाइरल वायाडक कहा जाता है। 1903 में बनी इस स्पाइरल ब्रिज का मकसद था कि ट्रेन को धीरे धीरे ऊंचाई पर चढ़ाया जाए। इस ब्रिज की हेल्प से ट्रेन 20 मीटर की ऊंचाई को बहुत ही कम टाइम में पार कर लेती है और इस तरह का स्पाइरल ब्रिज पूरे वर्ल्ड में कहीं और नहीं है। नंबर 1, यूएसए की स्टेट ओहियो में नेपोलियन और डिफेंस के बीच बना हुआ रेलवे ट्रैक काफी खतरनाक माना जाता है क्योंकि ट्रेन के ट्रैक
हमेशा सीधे होते हैं, बट यहाँ पर ट्रैक इतने टेढ़े मेढ़े हैं कि ट्रेन को अपनी स्पीड स्लो करनी पड़ती है। इसे कई बार ठीक करने की कोशिश की गई, रिपेयर की गई, बट यहाँ का जमीन नरम होने की वजह से इसे ठीक करने के बाद भी यह ट्रैक फिर से टेढ़ी हो जाती है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको इनमें से कौन सी नॉलेज इंटरेस्टिंग लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।